हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों का नीट 2024 का पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। पेपर बहुत ही आसान आए थे। जिन बच्चों ने पिछले साल अच्छे से मेहनत किया है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, उनका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। हम लोगों के पास बॉटनी का क्वेश्चन है, हम लोग बॉटनी के पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिक इनर वॉल। हाईली थिक इनर वॉल एंड थिन आउटर वॉल कह रहा है। तो ये डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ था, आपको पता है ये डायग्राम किसका है। स्टोमेटल अपैरेटस है पूरा, जिसमें ये स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है, इसके बारे में आपको पता है कि इसका इनर वॉल, ये जो इनर वॉल है ये थिक होता है और ये आउटर वॉल थिन होता है, ताकि जब इसके भीतर वाटर एंटर करेगा, इसके भीतर जब वाटर आएगा तो इसकी कन्वेक्सिटी बढ़ेगी, तो ये फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए। इस कारण से इसका भीतर का वॉल कैसा होता है, थिक होता है। तो ये किसका होगा आंसर, क्या होगा ये स्ट्रक्चर देखिए कौन सा है, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले का आंसर सी हो जाएगा। पहला हम लोग कहेंगे कि थिक वॉल और थिन वॉल वाला ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का गार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड primarily by the three region in DNA and these are with respect to upstream and downstream end. तो क्या क्या आपको याद है कि एक जो DNA का segment होता है, इसको हम लोग DNA के segment के according करें, DNA के segment के according करें तो ये मान लीजिए कहा 3' end, ये 5' end, ये 5', 3', ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है। इसमें हमको अरेंज करना है, डायरेक्शन क्या है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड, ठीक है। तो अप टू डाउन हम लोगों को करना है। तो जरा आप देखिए कि इधर क्या होता है, आपको सबसे पहले इधर मिलेगा आपको प्रोमोटर मिलेगा, यहाँ प्रोमोटर मिलेगा ये। फिर इसके बाद ये हिस्सा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है, ये प्रोमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन का हिस्सा, और ये हिस्सा क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। ये एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम, जहां हम लोग आरएनए पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां ये डायग्राम मिला हुआ है हम लोगों को। तो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को पूछ रहा था कि डीएनए में डायरेक्ट इसका क्या लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, द इक्वेशन ऑफ हल्सर पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ एज। ये इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है, आपको याद है इकोलॉजी में ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये के का क्या मतलब है, ये जो के है इसके, फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, तो आपको पता है ये कैरिंग कैपेसिटी है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सिड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइंड टू फॉर्म रूट व्हेन द सिड जर्मिनेट। आपको पता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मोनोकॉट सिड का स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सिड का स्ट्रक्चर है, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें, इस पूरे स्ट्रक्चर में रूट बनाने वाला कौन सा है। तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर हमारा जो है रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, ये कॉलियोप्टाइल है, और ये स्ट्रक्चर कॉलियोराइजा है। तो इस हिसाब से आप देखिए, तो रूट हमसे क्या पूछ रहा था, रूट कौन बना रहा है, तो रूट कौन बनाता है, आपको पता है रेडिकल जो है वो रूट बनाता है, तो उस हिसाब से हमारा रेडिकल आंसर हो जाएगा। तो ये रेडिकल का किस लेटर से सिंबल है, सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हम लोग कहें इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम बाय मैलोनेट। एनसीईआरटी में आपको याद हो बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में एंजाइम टॉपिक में एंजाइम इनहिबिशन जो सब टॉपिक है वहां इसका जिक्र किया हुआ है कि मैलोनेट आपको रिएक्शन जो है सक्सीनेट टू फ्यूमारेट, ये स्टेप है क्रेब्स साइकिल का जहां एंजाइम यूज होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज नेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां यूज होता है। और इस सक्सीनेट ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, अब कहा कि सक्सीनेट के जगह मैलोनेट डाल दिया, मैलोनेट तो मैलोनेट जब डाल देंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों भाई? तो इस एंजाइम के लिए इस सक्सीनेट और मैलोनेट के बीच कंपटीशन है, इस सक्सीनेट और मैलोनेट के लिए इस एंजाइम के लिए इस दोनों के बीच कंपटीशन, क्यों? क्योंकि इसकी इस दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। जैसे मान लो कि कहा कि ये क्या है हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और ये कहा कि सक्सीनेट है सक्सीनेट और ये कहा कि मैलोनेट है मैलोनेट है, तो अब इस एंजाइम ये इस एंजाइम है इस एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के इस एक्टिव साइट के लिए अब ये दो में से कोई भी आ सकता है ना, तो इस दोनों के बीच क्या हुआ कंपटीशन। और यदि ये आके बाइंड कर गया तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो इसका एग्जांपल हमारा ये किसका एग्जांपल हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ये एग्जांपल हो गया, जिसमें हमने कहा कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए सक्सीनेट और मैलोनेट के बीच कॉम्पिटिशन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन होगा हमारा अ पिंक फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन प्लांट वॉज क्रॉस्ड विथ अ रेड फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनो टाइप इज एक्सपेक्टेड इज और आर, यानी एक या एक से ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी प्रोजेनी। ठीक है, हमारे पास हमको क्या कह रहा है फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन आपको याद है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के एग्जाम्पल में वो आता है स्नैप ड्रैगन का, है ना, क्रॉस्ड विथ रेड फ्लावर यानी आर आर। ठीक, और ये क्या था किससे क्रॉस करवा रहे थे पिंक से, पिंक यानी आर आर। ठीक, तो प्रोजेनी का क्या जीनोटाइप होगा फिनोटाइप होगा, तो रेड आर आर क्रॉस्ड विथ पिंक आर आर, तो इससे कितने टाइप का गैमेट, एक ही टाइप का गैमेट, और इससे कितने टाइप का गैमेट, दो टाइप का आर आर, ये क्रॉस किया आर आर और ये क्रॉस हुआ बेटा, इसका क्या कलर हो जाएगा, इसका कलर रेड और इसका कलर पिंक, यानी अगले जनरेशन में हम लोग ये उम्मीद करें कि रेड फ्लावर भी आएगा और पिंक भी आएगा, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन देख लीजिए रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवेन स्पेशल केयर इज कॉल्ड, तो क्या रहा है कि किसी नेचुरल प्लेस से उठा के किसी हम ऐसे जगह पे रख दें जहां उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, तो वैसे टाइप के कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसके लिए टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस,
बायोडाइवर्सिटी, ओवर एक्सप्लाइटेशन तो कारण है ही है, जब इसे को इसके कारण एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट करेगा तो साथ ही दूसरे भी एक्सटिंक्ट करेंगे को एक्सटिंक्शन, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को म्यूटेशन से कोई मतलब नहीं है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल ये कारण हो सकता है, माइग्रेशन को भी इससे कोई मतलब नहीं है। यानी ए बी एंड डी, ए बी एंड डी यहाँ दिख रहा है, ए बी एंड डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें C3 साइकिल चलता है। ये होता कहाँ है, तो स्ट्रोमा में होता है, और इसके होने के लिए लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2, दूसरा लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट चाहिए हमको, एक NADPH और दूसरा ATP। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखें क्या क्या है, CO2 है, ATP है और NADPH, यानी CDE, ये ऑप्शन हमारा पहला, ये चाहिए किसके लिए था, ये डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग करें, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुलिफॉर्म शेप का जो सेल है वो किसके लिए जिम्मेदार है, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट नहीं, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ सुगर नहीं, इनवॉल्व कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, यस ये हमारा आंसर होगा, इनवॉल्व कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट बुलिफॉर्म सेल्स के कारण ऐसा होगा। सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड आए हुए हैं, कुछ यूनिक नहीं आया है, कुछ भी यूनिक नहीं आया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम। ये आपको देखिए कि फ्लावर है, दो फ्लावर दिया हुआ है हम लोगों को, और दोनों फ्लावर में आप जरा गाइनोशियम देखिए सेंटर में है, और जो बाकी उसके पार्ट्स हैं स्टामेन है, कैलिक्स है, कोरोला है, वो उसके थैलेमस पे, उसके पेरीफेरी पे अरेंज है। NCERT का यदि मॉर्फोलॉजी चैप्टर याद हो आपको, तो ये दोनों डायग्राम के लिए लिखा हुआ है आपको पेरीगाइनस, पेरीगाइनस दोनों ए और बी दोनों कैसा है, पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस, जिसमें कहते हैं कि गाइनोसियम सेंटर पे और उसके चारों साइड सेम लेवल पे पेरीफेरी पे बाकी और स्ट्रक्चर हो स्टामेन, ये कैलिक्स, कोरोला सारे उसके बराबर के लेवल पे हो। तो यहां आपको वही दिख रहा है, ओवरी सेंटर पे और बराबर के लेवल पे बाकी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम लोग करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, बिल्कुल स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग उसको करते हैं, फ्रूटनिंग बॉडी के बेसिस पे भी करते हैं, मॉर्फ माइसेलियम के मॉर्फ इस बेसिस पे भी, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग फंजाई को क्लासिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे के सारे फंगस जो हैं वो कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, हेटरोट्रॉपिक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट हम लोग देखें, हिंट टू आपको पता है कि PBR-322 में रिस्ट्रिक्शन साइट है, वहाँ कटिंग लगाएगा इस एंजाइम से, ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इज कंसिस्ट ऑफ। अब हमसे पूछ ये रहा है कि हिंड टू जो है वो, जैसे मान लो कि ये कहा कि PBR-322 है, सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि ये जगह जो है ये हिंड टू का ये साइट है, तो अब हमसे पूछ ये रहा है कि यहाँ जो बेस सीक्वेंस है इस जगह पे जहाँ पे हिंड टू कटिंग लगा रहा है, इसके जो सीक्वेंस हैं उसमें कितने बेस पेयर हैं। तो इसका सीक्वेंस आपको याद है AAGCTT, पेलिंड्रोम होता है, जब देख लो पेलिंड्रोम भी करके मैं दिखा देता हूँ, पेलिंड्रोम यानी आप काउंट करो कितना हो गया, 3, 3, 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 बेस पेयर। अगला करें हम लोग,
ऑक्सिन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। ऑक्सिन एज ए वीडिसाइड हम लोग यूज करते हैं वीड फ्री लॉन बनाने में, ठीक है। बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज, अब इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑक्सिन जो है वो डाइकॉट पे इफेक्ट डालेगा, मोनोकॉट पे। और आपको पता है ग्रास जो है ग्रामीण फैमिली मोनोकॉट्स है, वो डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटैलेटिनस प्लांट। भाई यही आंसर होगा, बाकी भी देख लें हम लोग। कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रास, नहीं। प्रोमोट्स एपिकल, नो। प्रोमोट्स एब्सिशन, देखो ये सब ऑक्सिन के काम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वीड फ्री लॉन बनाने में ऑक्सिन काम आ रहा है, यानी वीड्स को हटा दे रहा है सारे वीड को, लेकिन ग्रास पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। नो डैमेज ऑन ग्रास, क्यों? क्योंकि ग्रास मोनोकॉट है, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ जी, अब हमारे पास ये एक कॉलम वाला क्वेश्चन है। इस बार बॉटनी वाले सेक्शन में मैट्रिक्स मैचेज टाइप क्वेश्चंस कई सारे दिए हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से करना होता है। टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, पहले पढ़ लें इधर और फिर इधर, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। क्रॉस ऑफ एफ वन प्रोजेनी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस ऑफ एफ वन प्रोजेनी एनी ऑफ द पेरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेट इन प्लांट, ठीक है। टू और इधर क्या है, बैक क्रॉस प्लॉयडी एलील टेस्ट क्रॉस। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है, एलील कहलाता है, यानी इसका थ्री हो गया। क्रॉस ऑफ एफ वन प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव, आपको याद है टेस्ट क्रॉस में ऐसा करते हैं हम लोग, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, इसका फोर हो गया टेस्ट क्रॉस। क्रॉस ऑफ एफ वन एनी ऑफ द किसी पेरेंट से, चाहे वो डोमिनेंट वाले हों या रिसेसिव, सिर्फ रिसेसिव वाले से करवाते थे तो टेस्ट क्रॉस, आइदर ऑफ द पेरेंट से करवाते हैं तो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट इन प्लांट, प्लॉयडी आपको पता है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड पेंटाप्लॉयड हेक्साप्लॉयड, तो दैट इज प्लॉयडी सेट के लिए। तो आप जरा अब ऑप्शन देखिए, ए का थ्री पहला ही दिख रहा है, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन, डी का टू, तो ये हमारा पहला ही आंसर ऑप्शन आ गया। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हुए, एकदम नीट बेस्ड, नीट का जो क्वेश्चन है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है उनका ये सारा क्वेश्चन बन गया होगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोजोम, आपको पता है ये कब होता है, मेटाफेज, इसमें सोचना ही नहीं है। क्रोमोजोम सपोज करो ये क्रोमोजोम है, इधर से स्पिंडल, इधर से स्पिंडल, ये जगह क्या है, काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। तो ये कब होता है, जब क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होता है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे कब अरेंज होता है, तो मेटाफेज स्टेज में होता है। नेक्स्ट करें हम लोग, काफी बढ़ गया ये तो। हाँ जी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्लस्ट्रेडियम बाटुलिकम क्या सिक्रीट करता है, ब्यूटायरिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ईस्ट है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, इथेनॉल बनाएगा, ट्राइटिकम पॉलिस्पर्मम ये क्या बनाएगा आपका, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज क्या बनाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, माइक्रोब्स में फैक्ट्स जिन बच्चों ने याद किया तुरंत वो बना लिए होंगे। ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी, आपको पता है मेंडल का जो लॉ था उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंसी सबसे पहले था, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो पहला मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या है पूछ रहा है हमसे, फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंसी में इसमें क्या क्या, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, एकदम बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंसी में कहा, ये कहा गया ये बात। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन एफ टू जेनरेशन, ये तो गलत बात है भाई। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ऐसा तो होता है क्या, एलील एक्सप्रेशन क्यों नहीं शो करेगा, एलील एक्सप्रेशन शो करता है। जरा इसको देखेंगे आगे हम लोग क्या क्या ऑप्शन है, पहले इसको राउंड करके रखें।
फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल ठीक है, ये सही बात। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, सही बात, जिसको बाद में जीन कहा गया, मेंडल उसको फैक्टर ही कहते थे। फिर कहा द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक ही कोई, एक ही दो में से कोई, जैसे टॉल ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो सिर्फ टॉल आता था, तो एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा था एफ वन में, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखें हम लोग, यानी हमारा ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ई करेक्ट है, बी सिर्फ गलत लग रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए आप जिसमें बी ना हो, बी ना हो, ये मिल गया, ए सी डी एंड ई आर करेक्ट। जेनेटिक्स के बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हम लोगों ने, बहुत बढ़िया हैवी हैवी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, और आ गया बहुत ही आसान आसान। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग बायोटेक में पढ़ा हम लोगों ने कि ओनली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं विथ वैक्टर, वैक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों मिला के क्या बनाता है आरडीएनए, और फिर यह आरडीएनए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी हमको क्या कह रहा है, क्या डाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, यानी होस्ट सेल के भीतर हम लोग आरडीएनए नहीं डाल रहे हैं बेटा, क्या डाल रहे हैं, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं। तो क्या क्या होगा, पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यदि ये खुद मल्टीप्लाई कर पाता तो वेक्टर लगाने की क्या जरूरत थी, वेक्टर तो हम लोग इसलिए लगाते थे कि उस वेक्टर के पास ऑरी साइट होता था और वो ऑरी साइट उसको रेप्लिकेशन के लिए मदद करता था जब वो होस्ट सेल के भीतर जाता था, यानी पहली बात तो गलत हो गई भाई। नेक्स्ट, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है, हाँ, होस्ट सेल के जीनोम के साथ जाके अटैच हो सकता है, तब रेप्लिकेट कर सकता है वो। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, हाँ ये बात भी सही है, होस्ट सेल के साथ ये कर सकता है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, द एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, इस पर थोड़ा सोच लें। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लीकेट, नहीं नहीं रेप्लीकेट करेगा, तो हमारा दो तो एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है, बी एंड सी। अब जरा एक बार इस पर सोच लें, एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, ये हाँ ऑब्वियसली ठीक है, एलियन पीस यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट सेल के क्रोमोजोम का हिस्सा नहीं है, तो ये बात भी गलत हो गई, तो हमारे पास बी एंड सी, बी एंड सी, ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अब अगला हम लोग आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ओएफ, नॉट डबल एफ, ऑफ सीओ टू फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में आया था, कैल्विन साइकिल में हम लोगों ने बात किया, C3 साइकिल जब चलेगा बेटा तो लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। तो रिडक्शन के लिए आप स्टेप याद करिए, फॉस्फोग्लिसिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड जब बनता है तो दैट इज द रिडक्शन स्टेप, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक C3 साइकिल चलने के लिए, एक रिडक्शन के लिए कितने NADH प्लस NADPH चाहिए होता है, तो दो चाहिए होगा, दो, और ATP के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तो थ्री मॉलिक्यूल, तब जाके एक ग्लूकोज के लिए, यदि आप याद करिए तो 18 ATP वो वन ग्लूकोज यानी कि 3-6 C3 साइकिल के लिए, आप याद करिए 18 ATP NCERT का ये स्टेटमेंट है और 12 NADPH, ठीक, तो उस हिसाब से हमारा आंसर खोज लीजिए, 3 ATP और 2 NADPH, 3 ATP एंड 2 3 ATP मॉलिक्यूल एंड 2
NADPH, ये सेकेंड नंबर हमारा इसका आंसर हो गया। एक C3 साइकिल पूछ रहा था हमसे, क्योंकि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए एक C3 साइकिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड। अब देखो जरा, ये ब्लैक सीड का हमको दो जीनोटाइप दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कैपिटल बी जो है वो कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट एलील है, कैपिटल बी डोमिनेंट एलील यहां दिख रहा है, यानी ब्लैक डोमिनेंट है। अब हमसे जब डोमिनेंट होता है, जो फिनोटाइप डोमिनेंट दिखता है उसके बारे में आपको पता है कि वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटरोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन रिसेसिव वाले जो होते हैं वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है ब्लैक, यदि हमको इसका जीनोटाइप पता करना हो कि भाई कौन सा, ये एक ब्लैक प्लांट है, ये एक ब्लैक प्लांट है, ब्लैक। अब आप बताइए कि ये वाला है या ये वाला है, क्या कौन सा है, कैसे पता करेंगे। तो आपको पता है टेस्ट पास करते हैं, और टेस्ट पास के लिए क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। तो ये हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दिया हमने। नेक्स्ट हम लोग करें लेसिथीन। अब तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेसिथीन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कि लेसिथीन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड। क्लास में हम लोगों ने कई बार इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, लेसिथीन के स्ट्रक्चर को। ये वाला ग्रुप याद आ रहा है आपको, तो ये क्या हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोट ग्रुप में दिखाना चाह रहा था आपको, फॉस्फोलिपिड। लेसिथीन क्या हो गया, एक फॉस्फोलिपिड हो गया। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन। राइजोपस, स्टिलियागो, पक्सिनिया, एगारिकस, इधर क्या है, मशरूम स्मंट फंगस, ब्रेड मॉल्ड, रस्ट फंगस। तो आपको पता है कि राइजोपस क्या है, ब्रेड मॉल्ड है, राइजोपस ब्रेड मॉल्ड है ना, स्टिलिगो स्मट फंगस, ये यही सामने ही है इसके, पक्सिनिया आपको रस्ट फंगस, पक्सिनिया, एगारिकस मशरूम है, एगारिकस। तो ये देखिए 1 का 3, B का 2, C का ये तो मैच नहीं किया, ये तो यहीं गड़बड़ हो गया, सी का हम लोगों का क्या आ रहा है 4, सी का 4, D का 1, ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली डिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ये तो ठीक बात है, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में सीजनल वेरिएशन, ये तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, सही बात। कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन, ठीक बात। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी सही है, हाँ ठीक है, रेगुलर वो मिल रहा है तो वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट और प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो इसमें से एक ही गड़बड़ दिख रहा था, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं होगा, कॉन्स्टेंट बोल रहे थे ना, तो सीजनल उसमें नहीं होगा, यानी बी को छोड़ के एक्सेप्ट बी, देखिए कोई ऑप्शन है हमारे, यस ACDE, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला है हमारा ये सेल चैप्टर से क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास, बल्जी अपैरेटस, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी कार्टवेल, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूक्लियोलस
से बात करें तो साइट फॉर एक्टिव री, आपको याद है न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोलस होता है जहां राइबोसोमल आरएनए बनता है, तो पहला का थ्री। सेंट्रियोल कार्टविल अपियरेंस, याद करिए माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट पेरीफेरी पे, या सेंटर पे कोई माइक्रोटिब्यूल नहीं, कार्टविल अपियरेंस। ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फोर, गॉल्जी एपरेटस साइट फॉर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा यहाँ। तो इस हिसाब से हम लोग चेक कर लें, ऑप्शन हमारे पास वन का थ्री, वन का थ्री, टू का टू, थर्ड सी का फोर्थ और डी का वन, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग करें, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ, ये आप याद करिए लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन में हम लोग सीखते हैं कि जो बैक्टीरियम है उसका मेम्ब्रेन दैट इज वेरी लेस परमिएबल फॉर लैक्टोज, और फिर जब लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस होता है तो परमिएज बनता है और उसके कारण लैक्टोज की बैक्टीरिया की परमिएबिलिटी फॉर लैक्टोज बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, परमिएज, जो कि क्या करता है बैक्टीरियल सेल की परमियाबिलिटी बढ़ा देता है फॉर लैक्टोज, लेकिन कंडीशन क्या है कि कल्चर मीडिया में लैक्टोज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटिन में, क्या रहा है लिप्टोटिन में ग्रेजुअली विजिबल, ये ठीक बात है। The beginning of diplotin stage is recognized by dissolution. बिल्कुल, diplotin में क्या होता है, synaptonemal complex जो बने थे वो वहाँ से अलग अलग होना, जहाँ काजमाटा बना था वो अलग होना शुरू होता है, that's why dissolution of synaptonemal complex। तो दोनों बात statement वन एंड टू दोनों सही है, तो ऑप्शन देखें जिसमें हम लोगों को दिया हुआ statement वन एंड टू आर करेक्ट। तीसरा, next देखें हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा से हमसे क्या रहा है, हमसे क्या कह रहा है, पेरेनकाइमा से क्या बना रहे हैं हम लोग, इंटरफैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बना रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ से, पेरेनकाइमा से। तो पेरेनकाइमा से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, आप याद करिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन तो क्या बनता है, प्राइमरी परमानेंट, अब प्राइमरी परमानेंट में जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आप देखिए कि पेरेनकाइमा क्या है, प्राइमरी परमानेंट, और उससे क्या बना बेटा जी, उससे बना सेकेंडरी मेरिस्टेम, और यदि ऐसा हुआ तो ये क्या कहलाया, डी डिफरेंशिएशन कहलाया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं और प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में तो दिया हुआ ही है। नेक्स्ट हम लोग देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पेरेनकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा, ये गड़बड़ बात, कोलेनकाइमा भी तो लिविंग है, स्पेरेनकाइमा के सेल्स डेड हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल, ठीक बात, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज दी एंजियोस्पर्म, बहुत सही। तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म यदि आपको याद हो तो उसे वैस्कुलर बंडल है, जाइलम है, लेकिन जाइलम वेसल नहीं होता है, तो लिखा हुआ लैक जाइलम वेसल, और वो जाइलम वेसल एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, ये बात ठीक है, यानी पहला गलत और दूसरा सही। सेकेंड नंबर, नेक्स्ट हम लोग देखें, ये कभी कभी बहुत स्लो बढ़ता है और कभी कभी अचानक से बहुत भाग जाता है, ये तो हम लोग इससे पहले वाला, हाँ ठीक। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर्स ऑफ वैलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं नहीं, वैलिसिनेरिया आपको पता है कि इसमें हाइड्रोफिली होती है और वाटर के थ्रू बेटा जी यदि पॉलिनेशन हुआ तो उसके लिए कलरफुल होना जरूरी नहीं है फ्लावर को, फ्लावर को कलरफुल होना कब जरूरी है,
जब एंटेमोफिली होगा, जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो कलरफुल। तो ये बात तो गलत साबित हो गई, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वाटर लिली वाटर के थ्रू नहीं होता पॉलिनेशन, ठीक है, एंटेमोफिली होता है यहाँ। The most of flower pollinated species, the pollen grains are protected from wetting, tick. Pollen grains of some hydrophytes are long. हाँ, जिसको सर्फेस पे आके ईपी हाइड्रोफिली करना है उसके पॉलन ग्रेन्स लंबे लंबे होते हैं, ठीक। इन सम ऑफ द हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इन साइड वाटर, ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली में ऐसा होगा। तो ए छोड़ के सारे तो सही हैं, एक्सेप्ट ए, बिना ए वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी सी डी, ये रहा बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, नेक्स्ट फॉलोइंग एग्जाम, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री जिसमें हो, है ना, यानी कि किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में आ जाए, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक। आपको याद है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है धतुरा का, ठीक है। अगला, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज केस, ये क्या है, द कैपेसिटी to generate a whole plant from any cell of the plant, या थोड़ा ये लोग टाइपो एरर है, टाइपिस्ट लोगों से थोड़ा एरर हुआ है ये कुछ लिखने में, लेकिन यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं कि एक सेल से पूरे प्लांट बनाने की जो क्षमता है, ये कौन सी क्षमता है, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी या प्लूरिपोटेंसी एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग। इवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई वन ए सी, ठीक है, ये बात तो ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट्स एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस थुरेंजिनसिस, हाउएवर, इसको इटैलिक्स थोड़ा लिखना था, हाउएवर आफ्टर इंजेशन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इंटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक, देखो ध्यान से एकदम, बहुत बारीक ये चेंज किया है, बहुत महीन चेंज यहाँ किया है कि यहाँ एसिडिक पीएच कर दिया। यहाँ तो एकदम मुझे, मैं जब अभी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था ये मैं पढ़े जा रहा था, लग रहा था सही है, गड़बड़ है बेटा यहाँ तो, ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला सही है। तो फर्स्ट ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, सेकेंड इज फॉल्स, ठीक। तो उस हिसाब से पहला आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखें 34, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, IUCN। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, फिर बायोमॉलिक्यूल का फिर ये क्वेश्चन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब ये मत समझना डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिव कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ Zn2 प्लस जिंक आयन की मदद से, जिंक आयन, ठीक है। नेक्स्ट करें हम लोग, सिट्रिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटोन ग्रेडियंट, और ये साइट है साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो साइट्रिक एसिड साइकिल यानी TCA क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इसका सेकेंड। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ, साइटोप्लाज्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और प्रोटोन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस हिसाब से हमारे पास
ऑप्शन देख लीजिए, वन ए का टू, ए का टू यहाँ है, बी वन सी फोर डी थ्री, यानी ऑप्शन नंबर फोर हमारा आंसर है। ये बढ़िया, पूरा चैप्टर आपसे पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में पूरे चैप्टर से बात हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमराइज, पॉलीमराइज कैटालाइज प्राइम, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, ना ये तो गलत बात, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम करता है लेकिन थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम नहीं करता है। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइज, पॉलीमराइजेशन फाइव, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन बाकी दोनों को भी पढ़ लें हम लोग। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइजेशन, ना ये गलत बात हो गई। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज, पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, तो हमारे पास तो ठीक ही है, ये आंसर है हमारा सेकेंड नंबर। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग करें, अगला क्वेश्चन है, हाँ इधर आपके साइंटिस्ट के नाम है और इधर उनके प्रपोज थियरीज हैं, रॉबर्ट मे, अलेक्जेंडर बॉर्न, हल्बोल्ट, पॉल एहर्लिच, डेविड टिलमैन। तो रॉबर्ट मे, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, ठीक है, अलेक्जेंडर बॉर्न हम्बोल्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉल रिबर्ट पॉपर, ठीक है। तो ये पहला का थ्री, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉल एहर्लिच रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, और डेविड टिलमैन ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउट डोर प्लॉट्स, ये सेकेंड, ठीक है। तो ए थ्री, ए थ्री वाला ऑप्शन, बी ए थ्री, बी वन, सी फोर और डी टू, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये एनसीईआरटी, आप याद करिए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के नीचे जो कंटेंट है वही आपके ऑप्शन बना दिए गए हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं है ये, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन शोइंग फ्लावर वेल, फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज स्टामेन, ये बात सही है, यही सही है ना। तो क्या भाई, तो जब विंड पॉलिनेशन होगा तो रेंडम पॉलिन उड़ता है, तो स्टामेन जितना एक्सपोज रहेगा पॉलिन उतने ज्यादा से ज्यादा निकल पाएंगे। नेक्स्ट, एंड बाय स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी TCA C3, सॉरी क्रेब्स साइकिल, TCA क्रेब्स साइकिल, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेशन जिसमें नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो आइसोसाइट्रेट, ये क्या है, सक्सिनाइल को, यही इसी जगह पे तो दिख रहा है, इस जगह पे नहीं होता है, आपको पता है यहाँ GTP से ATP बनता है, यही होगा, लेकिन बाकी भी देख लें, आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटोग्लुटरेट, यहाँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मैलिक एसिड टू ऑक्सलोएसिटिक एसिड, यहाँ भी सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, ये तीनों स्टेप ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं होता है, इस स्टेप पे आपको याद है कि GTP बनता है, फिर GTP से ATP बनता है। नेक्स्ट हमारा, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रिबोसोम, हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीजेज, ठीक है, ये आपको कह रहा फोटो रिस्पिरेशन की बात कर रहा है, फोटो रिस्पिरेशन में आपको याद है कि रोबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो जाता है, रोबिस्को का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तो C3 प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो, नहीं, C4 प्लांट जैसे ही आया फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा, पढ़ लें, वाइल्ड बंडल सेल डू नॉट शो, नहीं होगा, गलत बात, क्योंकि वहाँ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा एक्टिविटी होगा, रोबिस्को का कौन सा एक्टिविटी होगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगा, तो यानी रोबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाएगा, यानी फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा, यानी ये पहला सही दूसरा गलत। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें,
इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, व्हाट वुड बी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। अब आप याद करिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस, या इस ढंग से कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि ट्रॉपिक लेवल पे, एक ट्रॉपिक लेवल से, ये ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, इसको जो जीपीपी इसका है, फिर ये रेस्पिरेटरी लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, एनपीपी। ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी है वो अगले ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी हो जाता है। क्या भाई, तो इसका जीपीपी जो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उससे 10% लॉस कर किया रेस्पिरेटरी लॉस, सॉरी रेस्पिरेटरी लॉस किया और 10% ट्रांसफर किया, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर इसका 10% इसको जाएगा, यानी कि इसका जो एनपीपी होगा वो अगले ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी हो जाएगा। बात फिर से समझिए, मैं एक बार और इसको क्लियर करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। कई लोग बच्चे आए टेस्ट देखे तो सर ये क्या अचानक से पूछ दिया, क्योंकि इस ढंग का मैथमेटिकल क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में प्राय सॉल्व नहीं करते हैं। GPP, NPP का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस ढंग के मैथमेटिकल, ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। तो कहा कि इसका NPP जो होगा इसका NPP क्या होगा, GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, और ये NPP अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए GPP हो गया, तो इसके जीपीपी में फिर रेस्पिरेटरी लॉस जब होगा तो एनपीपी बनेगा इसका, और इस ये एनपीपी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी थर्ड ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या हो गया, जीपीपी हो गया। यही हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा और हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी हमको 100x दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है, तो इससे इस 100x से जब इसको जाएगा तो ये 100 जाएगा ना, इसको 100 अवेलेबल हुआ, यानी इस ट्रॉपिक लेवल के लिए जीपीपी कितना हो गया, 100x, जो इस ट्रॉपिक लेवल का क्या था, एनपीपी था। जहां मैं देखिए मैं बताया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी, तो ये एनपीपी इसका जीपीपी हो गया, और इससे जब अगले में जाएगा इसका एनपीपी जो है इसका जीपीपी, तो इसका एनपीपी निकालें हम लोग क्या भाई, तो इससे इसमें जो ट्रांसफर होगा तो इसका 10% ही जाएगा ना, तो 100x का 10% कितना हो जाएगा, 10x, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा इन लोगों ने। फिर हम लोग देखें कि GLUT4 ये मैच करना है, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलाजन, हार्मोन, एंजाइम, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो आपको पता है GLUT4 का काम है सेल के भीतर ग्लूकोज की एंट्री करवाना, तो इसका 4 हो जाएगा 1 का। इंसुलिन क्या है, हार्मोन प्रोटीनस हार्मोन, ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन, कोलाजन आपको पता है फाइबर है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये 3। तो A4 B1 C2 D3, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 से हम लोग बात आगे बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ग्रिफिथ, जैकॉब मोनोट, हरगोविंद खुराना, मिसन स्टॉल नाम है और उनका जो काम है वो दिया हुआ है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने माइस को इंजेक्ट करवाया था किससे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन से।
जैकॉब मोनोड का काम लैक ऑपेरॉन ऑपेरॉन मॉडल जैकॉब एंड मोनोड हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड मेसल्स एंड स्वाल सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा 13B4 यहाँ दिख रहा है C1D2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दी डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कैसा है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए आपको याद है क्लोरो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए इसका, क्लोरोप्लास्ट का सेमी कंजर्वेटिव नेचर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है क्या भाई। तो वो उसके डीएनए, उसके पास डीएनए है जो कैसा है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम लोग कहें स्प्रिंग सुअर कैन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। कह रहा है कि एक गन्ने के खेत में गन्ने के ऊपर एक स्प्रे कर रहे हैं एक फाइटो हार्मोन का, जिससे प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है तो उसका यील्ड भी बढ़ रहा है, तो वो कौन सा हार्मोन होगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कहें द फॉलोइंग स्टेटमेंट फियोफाइसी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी ए सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाय फ्लेजिलेटेड जू स्पोर्ट। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय ऊ गैमस नहीं, वो ओनली लिखा ओनली, ये गड़बड़ चीज, ये गड़बड़ है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटॉल और लेमिनेरिन। याद करिए मैं आपको क्लास में सिखाया मॉल मैनिटॉल मैनिटॉल आई और लेमिनेरिया है ना, तो ये हमारा करेक्ट है। फिर द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए सी क्रेटोनाइजिन, तो फिर ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्गिन, अल्गिन का कोटिंग होता है उसमें। ठीक है, यानी बी छोड़ के सारे ऑप्शन हमारे इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे सही हैं एक्सेप्ट बी ए सी डी ई, ये आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें विद द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट, दो वेराइटी प्लांट का तो दो वेराइटी करके फ्यूज करके बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। अगला करें हम लोग मॉर्फोलॉजी का, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल से रिलेटेड, जो बच्चे क्लास में भी मैं तैयार करवाता हूँ आपको, फिर आप क्वेश्चन के थ्रू भी करते हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होता है। रोज में पेरिगाइनस फ्लावर, ठीक है, पी जो है पी में मार्जिनल स्टिवे मार्जिनल प्लासेंटेशन, कॉटन में ट्विस्टेड स्टिवेशन और मैंगो ड्रुप कैटेगरी का फ्रूट है ड्रुप। तो रोज का टू टू ए का टू वाला ऑप्शन देखो ए टू बी फोर सी वन डी थ्री, ठीक है ये आपको आंसर आ गया। अब बॉटनी के हिस्से का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जिसमें ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी का ही क्वेश्चन है। इसमें मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस चाइना रोज टू, ठीक है, तो इसमें हम लोग कहते हैं मोनोएडल्फस क्या हो गया, जिसका स्टामिन का फिलामेंट फ्यूज रहेगा और एंथर फ्री रहेगा, मोनोएडल्फस। उसके एग्जाम्पल में क्या आता है, चाइना रोज, डायडल्फस का एग्जाम्पल आ गया आपका डायर पी सामने ही है इसके, पॉलीडल्फस का एग्जाम्पल आ गया साइट्रस और इपीफाइलस का एग्जाम्पल आ गया लिली, ऐसा ऑप्शन आपके पास थर्ड नंबर ऑप्शन ये है। तो ये हमारा 101 से 150 बॉटनी के हिस्से का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी किया। और अब जिन बच्चों ने इसको, एक तो जिन बच्चों ने पिछले साल में शुरू में कहा, जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया पढ़ाई किया उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, जिनकी कमी रह गई उनको एक मौका और लीजिए, आप जम के तैयारी कीजिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन को, बिटवीन द लाइंस जो बातें हैं बारीक से उसके एग्जाम्पल्स को खूब अच्छे से याद करिए और अगले साल के लिए खुद को तैयार करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।